हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेजी फूड में। आज हम बनाएंगे ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए हमने सबसे पहले 4 से 5 आलू ले लिए हैं। अब इसमें जाएगा 1 बड़ा प्याज, 1 बड़ा प्याज। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक, मिर्च, अमचूर पाउडर डाल देंगे, अजवाइन डालेंगे, हींग डालेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला करके मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। आलू को हम बिल्कुल ही पीस लेंगे हाथों से। आप चाहे तो मैसर का भी यूज कर सकते हैं, मैं हाथ से ही कर रही हूँ। सभी आलूओं को मैश कर लिया है अच्छे से। पकौड़ी को क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चावल और दाल को रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। अब इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। दाल और चावल को अच्छे से पीस लिया है। अब इसे एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से अब इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच बेसन। अब इसमें कुछ बेसिक मसाले ऐड करेंगे, नमक, मिर्च बहुत थोड़ा सा, हल्दी पाउडर, जीरा, कस्तूरी मेथी। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके घोल तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे घोल बन करके तैयार हो चुका है। पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड को ले लिया है। यहाँ पर मैं एक ब्रेड पे सॉस लगाऊंगी, टमाटो केचप। दूसरे ब्रेड पर चटनी लगाएंगे, ग्रीन चटनी। ये होममेड चटनी है फ्रेंड्स, ये मैंने घर पर ही बना करके तैयार किया था। अब इस पे हम आलू लगाएंगे इस तरह से दबाते हुए फैला लेंगे। चारों तरफ अच्छे से लगा लेंगे। क्रीस ब्रेड को इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। मैं सारे ब्रेड इसी तरह से तैयार कर लूंगी। सभी ब्रेड को बना करके बीच में से कट कर लिया है। अपने बैटर को अच्छी तरह से चला लेंगे। अब एक पीस को उठाएंगे, इस तरह से डीप करते जाएंगे चारों तरफ से। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम एक एक करके डालते जाएंगे। अब इन्हें हम अलट पलट करके सेक लेंगे दोनों तरफ से। पकौड़ी सीख गए हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। एक छलनी में निकाल लेंगे फ्रेंड्स।
इसी तरह मैं सभी पकौड़े बना करके तैयार कर लूँगी। इन्हें पलट के भी हम सेक लेंगे अच्छी तरह से। जी फ्रेंड्स, ये सुपर डुपर से पकौड़े बन करके तैयार हैं। आपको मैं एक पकौड़ा कट करके दिखाती हूँ कैसे बने। कितने यम्मी देख रहे हैं ना फ्रेंड्स। आप इस रेसिपी को कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।